असलम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, यस आई कैन हियर यू। ओके सर, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई एक्सप्लेन लास्ट टू लेक्चर्स लाइक सर वेंसडे और थर्सडे वाला, क्योंकि सर फ्राइडे वाले में तो हमारी सर वो कवाली सर आपने क्यों था? सुनाई नहीं नहीं क्यों मैंने था, कवाली नहीं थी वो फिर जैसी मुनासिबत हो उस मुनासिबत से वी चूज द डायरेक्शन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट देखे थे मतलब अपने कस्टमर के। उसमें सर आपने ई रोजगार की एग्जांपल दी थी कि लाइक अगर हमने ई रोजगार के लिए एड चलाना हो तो उसमें फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग को एज अ आपकी आवाज कट रही है या बस मुझे लग रहा है? कैन समवन कंफर्म इन द कमेंट्स कि उमर की आवाज कट रही है या वो जस्ट मुझे लग रहा है? यस, वॉइस ड्रॉप हो रही है। उमर, आपकी आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है सबके लिए ही, सो मे बी इफ यू कैन करेक्ट द इशू। तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। All right, no problem. Let's have someone else who can summarize our previous lecture. Raise your hands. Then quickly we'll jump to new content. All right, we have Aksa Mubin. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। यस अक्सर, क्विकली सर, इसमें हमने ये किया था कि जब हमने प्लेसमेंट कर दी है और इन स्ट्रीम्स वगैरह ऐड कर दी हैं, तो फाइनल जो है वो हमने क्या करना था, हमने वहां पर जो है ना वो सारी क्रिएटिव्स वगैरह ऐड किए थे, मींस के ऐड नेम, उसके बाद आइडेंटिटी पेज ऐड किया था, उसके बाद मींस के हमने अपने जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पर शो करना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक या बोथ पे, तो हमने वहां से बोथ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हमने ऐड का ऐड सेटअप किया था, वहां पर क्रिएट ऐड किया था, उसका फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया था, उसके बाद हम वहां पर जो है वो क्रॉजल हम अपने ऐड में ऐड करना चाहते हैं। क्रॉजल मीन मल्टीपल जो इमेजेस हैं आप उनको ऐड करना चाहते हैं या फिर आप सिंगल इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो बेस्ट वन कि आप जो है वो वहां पर सिंगल इमेज ऐड ऐड करें। उसके बाद हमने हेडलाइन यूज की थी, डिस्क्रिप्शन आपने अपनी ऐड की यूज की थी, वहां पर ऐड की थी हमने, उसके बाद हमने जो है वो वेबसाइट यूआरएल ऐड किया था, अगर आप वो करना चाहते हैं तो सर सिंपली ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑलराइट, उमर वांट्स टू ऐड समथिंग। उमर, यस क्विकली प्लीज इन 1 मिनट। I haven't muted you. सर हमने जो थर्सडे वाला एड जो है उसमें एड की सेटिंग की थी सर, हमने बेसिकली उससे पहले दिन एड सेट की जो सेटिंग की थी, तो हमने डिटेल में एड्स की सेटिंग करना स्टार्ट की थी सर। उसमें हमने ये देखा था कि हमने जो है अपने एड को सबसे पहले ये देखा था कि इंस्टाग्राम पे चलाना है या सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे चलाना है तो सर हमने वो पेज सेलेक्ट कर लेने हैं जिन पेजेस पे हमने वो एड चलाना है, और इसको सर एड क्रिएटिव सेट करना कहते हैं जो है। उसमें हम बताते हैं फेसबुक फेसबुक को कि हम ऐड को किस मतलब किस फॉर्म में अपने चलाना चाह रहे हैं, इमेज में, कैरोसेल में, या फिर कलेक्शन बेस्ड जो है ना, तो सर उसमें। और उसके बाद हमने देखा था सर कि पोस्ट को अगर हमारे पास पहले से बनी हुई हो तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले से हमारी पोस्ट नहीं बनी हुई तो फिर हम न्यू पोस्ट डिजाइन करते हैं और उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर हमने कोई पहले से पोस्ट बनाई हो तो उसको बूस्ट के थ्रू भी आपने बताया था कि सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से भी डिटेल टारगेटिंग में से भी सिलेक्ट किया जा सकता है सर। उसके बाद हमने ब्रांडेड कंटेंट की प्रमोशन के बारे में देखा था कि अगर आप कोई ब्रांडेड कंटेंट की प्रमोशन कर रहे हैं तो उसमें उसका पेज या फिर जो है वो अकाउंट भी मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हमें खुद प्रॉम्प्ट करते हैं कि जो है आप इस मतलब जो है एड में उस ब्रांडेड कंटेंट के ऑनर को जो है वो मेंशन करें सर। उसके बाद सर हमने देखा था कैरोसेल को किस तरह डिटेल में बनाया जाता है सर, उसके लिए हमने कैरोसेल के लिए उसकी सर मतलब क्योंकि वो डिफरेंट इमेजेस से मिलके बनता है तो वो हर सेक्शन के लिए इमेजेस मींस अगर तीन इमेजेस का कैरोसेल है तो तीन इमेजेस और साथ में उनकी हेडलाइंस और उनकी डिस्क्रिप्शंस को भी हमने देखा था सर।
और आपने ये भी बताया था कि जो लेजी किस्म के जो है मार्केटर्स और लो बजट वाले होते हैं वो कैरोसेल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको ज्यादा सर बजट जो है ना वो यूटिलाइज नहीं करना होता, वो चीप में काम करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हम, क्योंकि सर वो आप कह रहे थे कि आपने गोरिल्ला, मतलब सर गोरिल्ला मीन्स मतलब सर आपने अच्छी वाली मार्केटिंग करनी है, तो आप कैरोसेल की तरफ भी जाएंगे। और आपने सर हमें बताया था, यस आपने बताया था कि स्टोरीज के लिए अलग एड बनाते हैं, क्योंकि स्टोरीज में इमेजेस जो है वो दूसरी तरह की प्लेस नहीं हो रही होती लाइक मतलब हम बाकी एड्स की तरह सर कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें जो है ना हम स्टोरीज के लिए अलग एड और अलग एड सेट्स भी बनाते हैं। उनकी सारी जो चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके लिए कंटेंट भी अलग से बनाया जाता है। और सर आपने उसमें हमें काउंटर टॉप वाली एग्जांपल भी बताई थी, जिसमें आपने डिटेल में दिखाई थी कि किस तरह सर एड सेट डिफरेंट किस्म के बनाए होते हैं अपनी मजीद टारगेटिंग करने के लिए स्टोरीज की। उसके अलावा सर हमने प्राइमरी टेक्स्ट को देखा था, और इमेजेस जो है वो हमारी किस तरह की होनी चाहिए उसके लिए सर आपने हमें इन्वेटो के बारे में बताया था कि इन्वेटो से हमें अच्छी अच्छी इमेजेस यूज कर लेनी चाहिए, या फिर हम जो है वो टेम्पलेट्स जाके कैनवा में से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी इमेजेस ही हमारी जो कस्टमर की अटेंशन है वो ग्रैब करती हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ चंद सेकंड का टाइम होता है अपने यूजर की जो है वो अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, और अगर हमने वो चंद सेकंड कैप्चर कर लिया तो इट मीन्स कि हम वो मार्केटिंग हमारी जो है ना वो कंप्लीट होती है, मतलब हमारी प्रमोशन हो जाती है प्रोडक्ट की। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते तो वो हमारा यूजर स्किप करके चला जाएगा। तो कैनवा में सर टेम्पलेट बनाने के लिए सर आपने हमें बताया था कि इमेजेस जो है वो बड़ी सिंपल रीडेबल और सर अच्छी होनी चाहिए, और सर बहुत सिंपल और अच्छा वाला टेक्स्ट होना चाहिए, कोई फनी किस्म का जो है ना वो टेक्स्ट ऊपर नहीं प्लेस करना कि वो जो है वो कोई अजीब सी मतलब वो सूरत हाल नजर आए। अच्छा, और सर आपने हमें ये बताया था कि क्लाइंट से उसकी ब्रांड किट या फिर मार्केटिंग कोलेटरल डिमांड कर लेते हैं, लाइक उसके फॉन्ट्स कलर्स और वेक्टर्स के हमें जो है ना वो आप अपना मार्केटिंग कोलेटरल या ब्रांड किट देते हैं, बेसिकली उसका थीम है जो उससे ले लेते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो एड को डिजाइन कर सकें। और सर आपने ये भी बताया था हमें कि अगर हमने उसमें कुछ टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन लिखनी हो कॉपी राइटिंग के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो क्लाइंट की वेबसाइट पे से जाके देख लेते हैं कुछ जुमले, या फिर हम क्या करते हैं उसके कंपेटिटर्स को जो है ना वो एनालाइज करते हैं, और उन उसके कंपेटिटर को एनालाइज करने के लिए आपने हमें एफबी एड्स लाइब्रेरी बताया था सर, उसकी एक एक्सटेंशन भी है वैसे फेसबुक एड्स दिखाने वाली, लेकिन एफबी एड्स लाइब्रेरी में जाके हम अपने कंपेटिटर्स को जैसे कि दराज और वेप्सी वाली हमने एड देखी थी वो आपने हमें बताई थी, और सर आपने लास्ट में हमें डू और डोंट्स बताए थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी मतलब एड्स बनाते हुए उसके टेक्स्ट में, प्राइमरी टेक्स्ट में, या फिर जो है वो लाइक एड्स में कि मुस्लिम है या फिर मिनोरिटीज को टारगेट नहीं करना। और उसके बाद सर आपने हमें ये भी बताया था कि शीट एक बना लेते हैं, उसमें हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप के टाइटल्स डिस्क्रिप्शन वगैरह होने चाहिए, और उस शीट को हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर लेते हैं, उसको कहते हैं अपना फीडबैक जो है इस पे हमें दे दें। और हम और सर फिर आपने उसके बाद लास्ट में एड्स बताया था मतलब कि एड्स को किस तरह बनाते हैं, उसमें इमोजीज को भी यूज करते हैं, लेकिन वो सर आपने एक एग्जांपल भी दी थी कि आप अपने मतलब अच्छी अच्छी सेंसिबल सी इमेजेस सॉरी इमोजीज यूज कर लेते हैं, कोई फनी टाइप के यूज नहीं करते। इसको दोनों ऑप्शंस को ऑन करके आप खुद चाहे साइड पे हो जाएं, व्हाट वुड हैपन, इट वुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग द एड्स। जाहिर है वो एड्स कौन से हैं जो फेसबुक समझता है आपसे रेलेवेंट हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वही एड्स होंगे ना। सो जरा आप उसको जरा 50, 60, 70, 80 एड्स इकट्ठा करके क्या करें, अभी मैं इसको रोक देता हूं जरा, and I go to this library again। मैं अगर क्लिक करूं इस आइकॉन पे दोबारा और कलेक्टेड एड्स पे इस एक्सटेंशन की आइकॉन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये लाइब्रेरी दोबारा खुल जाएगी। स्क्रीन आपके पास नहीं आ रही? स्क्रीन इज ओके आई थिंक, राइट। सो क्या होगा कि आपके पास ये लाइब्रेरी में, अब ये वो एड्स हैं जो फेसबुक ने बेसिकली तो आपको दिखाए थे, आपकी फेसबुक के रेलेवेंट थे, आपके बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स के रेलेवेंट थे,
लेकिन हमने कुछ थोड़ा सा स्क्रोल करके 40-50 एड्स कलेक्ट कर लिए और ये एक तरह की आपकी पर्सनलाइज्ड लाइब्रेरी बन गई, जिसमें आप इस चीज का मुआयना कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि दूसरे ब्रांड्स ने एड जो बनाते हैं वो किस किस्म के होते हैं, वो पिक्चर्स किस तरह की सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट किस तरह का एड में लिख रहे हैं, राइट? जैसे ये मैकडॉनल्ड्स का एड है, तो आप देख सकते हैं सिंगल लाइन, सेंडिंग वार्म रिगार्ड्स टू चिल स्टार्ट ऑफ 2022, ठीक, एंड दिस इज अ पिक्चर दे यूज्ड, एंड यू कुड स्क्रोल डाउन, गीक आउट एजुकेशन, दिस इज एन एड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने, इट्स अ प्रीटी लेंथी एड, और इमोजीज यूज किए हैं, ऑल द प्रोफेशनल इमोजीज वगैरह, एंड हियर क्लिक माइंडेड का आप एड देखें कैसे उन्होंने सिंगल लाइन में शाउट आउट दिया है, एंड देन द सेम स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस दैट वी शुड बी फॉलोइंग, राइट? एंड इमोजीज भी देखें, इसमें कोई वो कार्टूनिश टाइप के इमोजीज आपको नहीं नजर आएंगे, वो भी यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंटली वेयर देयर इज अ स्पेस, बट आप इमोजीज देखें बड़े प्रोफेशनल और लेस डिस्ट्रैक्टिंग इमोजीज यूज किए गए हैं, एंड यू कुड हैव अ आई मीन कीप स्क्रोलिंग एंड यू वुड कीप ऑन हैविंग मोर एड्स जो कि आपने कलेक्ट किए हैं। जाहिर है आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहें, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस लिए है। ये दूसरे एड, पहले तो आप इन एड्स पे इस तरीके से गौर नहीं करते होंगे, इसको एनालिसिस नहीं करते होंगे, हार्डली कोई एक सेकंड के भी 20वें हिस्से में आप इसको स्क्रॉल कर देते होंगे, आप इस पे टाइम ही स्पेंड नहीं करते होंगे कि लिखा क्या है दूसरों ने एड, राइट? यू यू वुड बी बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन रेदर देन अ मार्केटर। अभी जब एड्स कलेक्ट किए हैं, नाउ इज द टाइम दैट यू वुड बी बिहेविंग लाइक अ मार्केटर। अब तमाम एड्स की पिक्चर, तमाम एड्स पे फिर आपके पास रिस्पॉन्सेज भी देखेंगे, जैसे इस एड में कितने हैं, कुछ 4,000 से ज्यादा लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं 800 से ज्यादा, सो आपको पता भी चलता है कि लोग किस तरह के एड्स पे लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, किस पे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट? किस पे आपको ये एंग्री इमोजीज मिल रहे हैं, ताकि आप ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट भी कर सकें। सो दिस इज अ ग्रेट एक्सटेंशन टू पॉलिश, टू अपलिफ्ट योर कॉपी राइटिंग एंड टू अपलिफ्ट योर इमेज सेलेक्शन गेम, राइट? एंड किसी भी सेम पेज के आगे सामने आपके पास एड्स लाइब्रेरी का भी ऑप्शन आ रहा है, तो व्हाट यू वुड डू, आप बस एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक करें, उसी पेज के दूसरे एड, एक्टिव एड्स भी आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लीड्स गोरेला है, आप इसके एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक करें, आप डायरेक्टली उसके डेडिकेटेड लिंक पे चले जाएंगे जो एड्स लाइब्रेरी ने इसका क्रिएट किया हुआ, फेसबुक का ऑफिशियल। सो हियर वी कुड सी ऑल कंट्री सेलेक्ट करके ऑल एड इसके ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो आपके सामने आ जाएगा कि ये पेज और कौन कौन से एड चला रहा है। देर आर रफली 37 एड्स दैट आर एक्टिव, तो आप तमाम उसका एक अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं, काइंड ऑफ एड्स दे हैव बीन रनिंग, राइट? सो दिस इज प्रीटी गुड एक्सटेंशन, देर आर मोर एक्सटेंशन इन द मार्केट, बट वो इस तरीके से या तो वो थोड़े अरसे बाद या कुछ फीचर्स के बाद वो पेड फीचर्स अपने प्रमोट करने लग जाते हैं, या दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज दिस ऐप इज। ये प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी नीट एंड क्लीन एक ऐप है, दैट जो थोड़े से सीरियस किस्म के मार्केटर्स हैं आप में से, वो इसको बड़ा एंजॉय करेंगे और वो इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? अब एक चीज तो हो गई कि आप अपनी फेसबुक के मुताबिक एड्स देख रहे हैं, द अदर थिंग इज जब एक बिजनेस ओनर ये एक्सटेंशन अपने सिस्टम पे चलाएगा, एक बिजनेस ओनर्स के पास अक्सर एड्स बिजनेस के रिलेटेड ही आ रहे होते हैं। आप और हम तो क्योंकि मार्केटिंग के रिलेटेड हैं, एंड वी आर फ्रीलांसर्स एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो हमारे पास एड्स डिफरेंट किस्म के भी आ रहे होते हैं, बट जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका फेसबुक यूज करने का थोड़ा सा जो जो
प्योर बिजनेस ओनर्स हैं, उनका फेसबुक यूज करने का थोड़ा सा तरीका भी डिफरेंट होता है. दे यूजुअली बी सर्चिंग देयर ओन कंपेटिटर्स, दे यूजुअली बी सर्चिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स या उनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट. तो फेसबुक उनको एड्स भी या तो उसके कंपेटिटर के मुताबिक दिखा रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड दिखा रहे होते हैं. सो बताने का मकसद यह है कि जब आपका क्लाइंट कोई बिजनेस ओनर इस एक्सटेंशन को ऐड करेगा अपने ब्राउजर में और चलाएगा तो उसके पास कंपेटिटर के एड्स आ रहे होंगे. यू गेटिंग द पॉइंट? वो स्क्रॉल करे कुछ 5-10 मिनट, आप स्क्रीन शेयरिंग पे उसको गाइड कर दें 15-20 मिनट के लिए, जरा एक थोड़ा सा स्क्रॉल करें एंड यू वुड सी यू वुड हैव लाइक 100-200-300 के करीब आपके पास एड्स आ जाएंगे. एंड उन एड्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उस क्लाइंट के कंपेटिटर्स रियल में कैसे एड चला रहे हैं. एंड देन व्हाट कुड हैपन, आप तमाम उसके अकाउंट से जो आपने स्क्रीन शेयरिंग से उसी के ही सिस्टम पे चलाया था, आप एक्सपोर्ट एड्स पे क्लिक करें और जैसे कि ये एक आइकन नजर आ रहा है आपको, एक्सपोर्ट ऑल एड्स, एक्सपोर्ट ऑल एड्स पे करें और क्लाइंट को बोले कि वो आपको ईमेल कर. एंड व्हाट वुड हैपन, आप क्लाइंट के मुताबिक जो कंपेटिटर्स हैं उनके एड्स आपके पास आ जाएंगे, आप और आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं. सो ये एक्सटेंशन आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. नंबर वन, टू पॉलिश योर ओन कॉपी राइटिंग गेम एंड फॉर कंपेटिटर एड्स एंड स्पाइंग ऑन कंपेटिटर्स मार्केटिंग कैंपेन्स एंड एड्स, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं. अनदर थिंग आई वांटेड टू शेयर इज इन्वेटो एलिमेंट्स से भी आपको बने बनाए एड्स मिल जाते हैं. अगर आप इन्वेटो एलिमेंट्स में जाएं, ग्राफिक्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे बस आप बैनर एड या गूगल एड टाइप करें. लेट्स से बैनर एड अगर आप टाइप करें तो ग्राफिक्स टेम्पलेट्स में जाएं एंड हियर यू गो, आपके पास यू हैव लाइक कुछ 8000 से अबव आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में एड्स आ जाएंगे. व्हाट यू वुड नीड टू डू, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, जाहिर है जब आपका यहाँ पे अकाउंट होगा, एंड तमाम साइज जितने साइजेस के भी गूगल पे एड चलते हैं या फेसबुक पे एड चलते हैं, आप उस साइज को ओपन करें और अपने मुताबिक उसको चेंज कर लें, पिक्चर की जगह पिक्चर लगा दें, फॉन्ट्स चेंज करने हैं, बट ये आपको तमाम पॉसिबल फॉर्मेट्स में एक काइंड ऑफ टेम्पलेट दे देता है जिसको आप अपने प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड, अपने कैंपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यू हैव गॉट प्रीटी गुड रिसोर्सेज एज वेल. बाकी कैनवा तो आपके पास है ही जिसको आप रीसाइज कर सकते हैं और डिजायर्ड एड्स बना सकते हैं डिफरेंट साइजेस के. कैनवा इज अ मल्टीपर्पज साइट, आप एड्स भी बना सकते हैं, आप स्टोरीज भी बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया के कंटेंट भी बना सकते हैं. नहीं, इन्वेटो पे आप एडिट वगैरह नहीं करते, यहां से आपको फोटोशॉप के टेम्पलेट्स मिलते हैं. सो यहां से डाउनलोड करने के बाद बाकी काम फोटोशॉप का है आपका, राइट? सो यू वुड नीड अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट फोटोशॉप टू. ये आपको एडिशनल एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि समवन आस्क्ड के कैनवा के अलावा हम कहाँ पे कर सकते हैं. वैसे तो ये काम होता है ग्राफिक डिजाइनर्स का, राइट? एंड यूजुअली यू आस्क योर क्लाइंट कि जी मुझे एड्स आप प्रोवाइड कर दें, बाकी काम मैं खुद करूंगा, राइट? सो आपको एक जो बड़े क्लाइंट्स हैं या अच्छे क्लाइंट्स होते हैं उनके पास कॉपी राइटर अलग होगा, जो आपने एड में ये चीजें लिखनी होती है ना. किधर गए वो उसकी लाइब्रेरी, राइट? आपने एड्स के अंदर ये जो चीजें लिखनी होती हैं, आप अपने क्लाइंट को यूजुअली कहते हैं कि आई मीन डिड वो कॉपी राइटर डू एनीथिंग, यानी कि आप कॉपी राइटर पे ये चीजें एम्फसिस कर रहे होते हैं कि ये चीज आपको कॉपी राइटर प्रोवाइड करेगा, और उसके नीचे जो इमेज है
ये चीज आपको एक डिजाइनर प्रोवाइड करेगा, जो भी क्लाइंट के कोई ग्राफिक्स टीम है या कोई ग्राफिक डिजाइनर है उस पे डिपेंड करता है कि वो जैसे भी बनवाए, बट मोस्टली क्लाइंट्स डोंट हैव सच काइंड ऑफ टीम्स, राइट? सो आपको करना क्या पड़ता है कि आपको ये पिक्चर वगैरह भी खुद डिजाइन करनी पड़ती है, और ये जो लिखने वाला काम है ये भी आपको खुद करना पड़ता है। ये आपको पॉलिश भी कर देता है, ये दोनों जब आप काम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपका काम थोड़ा सा बढ़ा भी देता है। बट काम बढ़ाने का ये है कि फिर अगेन दिस इज वाई वी आर हेयर, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तभी पैदा होती है जब हमारे पास कोई मल्टी स्किल्स हो, और अपवर्क फाइवर वगैरह पे आते भी या स्मॉल बिजनेसेस हैं या सुपर स्मॉल बिजनेसेस हैं, हार्डली मीडियम साइज बिजनेसेस वहां पे आते हो, बहुत कम आते हैं, यूजुअली स्मॉल साइज बिजनेसेस आते हैं। और यूएस में स्मॉल साइज बिजनेस का मतलब होता है जिसके कुछ फ्यू मिलियन डॉलर्स में उनका एनुअल टर्नओवर हो, लाइक 5 मिलियन डॉलर्स, 10 मिलियन डॉलर्स, अगर इतना बिजनेस कर रहे हैं यूएस में तो उसको स्मॉल बिजनेस या सुपर स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में वो आ रहा होता है। और 10 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान में मतलब है कि वो कुछ कर रहे हैं 200 करोड़ का बिजनेस। तो यहाँ पे तो 200 करोड़ एनुअल कमाना किसी बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतनी ट्रांजेक्शन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूएसए के अंदर वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में भी शायद नहीं आता, वो सुपर स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आ रहा होता है, या आएगा भी तो स्मॉल बिजनेस मीडियम की साइज पे वो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इतने इतने जायंट्स हैं, उनको कैप्चर करना इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। आप क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी टीम्स को इतनी उन्होंने बड़ी नहीं बनाई होती, आपको ये मल्टी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए इफ यू वांट टू थ्राइव। मूविंग ऑन जी, हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में देखा था कैंपेन बनाना, कराची एड ग्रुप्स बनाना और एड बनाना। अब फर्ज कर लें आप एक और एड बनाना चाहते हैं, आपने लेट से पहला एड बनाया दैट वाज रिलेटेड टू एबीसी एक्स वाई जेड किसी भी चीज के बारे में, आप एक और एड बनाना चाहते हैं और उस एड में सिर्फ कोई दूसरा इमेज ट्राई करना चाहते हैं, सिनेरियो समझ आ गया आपको? आपने एक ऐड पहले बना के डिजाइन कर लिया, इमेज अच्छा था और कंटेंट अच्छा डाल दिया था, बाकी सारी चीजें पेज वेज आपने सही सिलेक्ट कर लिए थे, नाउ यू वांट टू ट्राई अनदर ऐड, और उसमें बस आप ट्राई करना चाहते हैं कोई एक और इमेज, बाकी सारी चीजें आप सेम रखना चाहते हैं। यूजुअली एड्स में इसी तरीके से काम किया जाता है, यू आर इधर टेस्टिंग डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस और यू आर इधर टेस्टिंग डिफरेंट एड फॉर्मेट्स और यू आर टेस्टिंग डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस, राइट? सो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इसी एड पे, इस एड को हमने लेट से लॉन्च कर दिया मिसाल के तौर पे, सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, इमेजेस, पिक्चर्स, सो एंड सो। अब हम क्या करने वाले हैं, इस एड पे क्लिक करेंगे और उसको क्विकली डुप्लीकेट कर लेंगे। नाउ इट वॉन्ट बी डुप्लीकेटेड बिकॉज ये एड अभी प्रॉपरली इसमें एंट्रीज नहीं की गई, लेट मी फेच सम बेटर एड, गिव मी अ सेकेंड। सो लेट्स से मैं एक इसमें कैंपेन को चूज कर लेता हूं एंड पेंसिल आइकन पे क्लिक कर दिया, एंड हियर यू कुड सी लॉट्स ऑफ एड ग्रुप्स एंड एड्स। अब आप क्या करेंगे, फर्ज करें आपने ये कैरोसेल एड बना लिया,
it gets selected. आपने ये कैरोसेल ऐड बनाया, तमाम चीजें आपने बड़ी केयरफुली सिलेक्ट की थी, पिक्चर्स, यूआरएल, और ये काम छोटे छोटे होते हैं बट बड़े आपने गौर से इसको देखना होता है, क्योंकि क्लाइंट ने एक बार चीज गलती आपकी कोई पकड़ ली तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. एंड समटाइम्स अगर एक से दूसरी बार कोई गलती इस तरह की पकड़ी गई या सामने आई आपकी, तो यू हैव चांसेस ऑफ लूजिंग दैट क्लाइंट, राइट. मिसाल के तौर पे आपने लिंक लगाना था क्लाइंट के प्रोडक्ट ए का, आपने बेध्यानी में जल्दी में लिंक लगा दिया उसके किसी और प्रोडक्ट का, राइट. सो नीचे डिस्क्रिप्शन कुछ और है, लिंक आपने कुछ और लगाए हुए हैं, इट विल क्रिएट अ फस, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. अब फॉर एग्जांपल ये आपने एक एड बनाया, आप इसमें दूसरा एड बना के डिस्क्रिप्शन कोई और ट्राई करना चाहते हैं, या आप पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन यही रखना चाहते हैं, पिक्चर्स कोई और ट्राई करना चाहते हैं. सो व्हाट यू वुड डू क्विकली, आप ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड क्विकली डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट. अब क्या हुआ, अगर आप यहां पे गौर से देखें कि कैरोसेल एड की एक कॉपी बन गई है, यानी नीचे कैरोसेल का ओरिजिनल एड भी है और इसका अब एक इसकी एक कॉपी भी बन गई है. इस कॉपी पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा कॉपी वाला एड आ जाएगा. अब यहां पे आप चेंज कर दे सारी चीजें क्विकली, इमेज चेंज करना है, लेट से आपने इमेज एक कार्ड लेट से रिमूव कर दिया, आपने कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज करनी थी, आप डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, बाकी जो मोस्ट चीजें हैं, कॉल टू एक्शंस, आप इस एड में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते थे, आप वहां पे लेट से यहाँ पे डिफरेंट कर दें कॉल टू एक्शन, राइट. सो क्विकली आप यहां से चीजों को, दिस इज हाउ यू अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. सो यूजुअली मैं भी क्या करता हूं, एक एड अच्छे से विद ऑल द फोकस क्रिएट किया एंड देन उसको डुप्लीकेट किया, यानी पहले अच्छे से क्रिएट करके मेक श्योर किया फेसबुक पेज सही लगा दिया है, इंस्टा सही लगा दिया है, एंड एड टाइप जो सिलेक्ट की थी वो सही से सिलेक्ट कर ली है, जो डिस्क्रिप्शन लगानी थी वो पहले से बना के डिस्क्रिप्शन मैंने सही लगा दी है, एंड जो लिंक्स वगैरह ये सारी चीजें मेक श्योर करके देन क्विकली स्टार्ट डुप्लीकेटिंग दोज एड्स. एड को डुप्लीकेट करें अपने जो दूसरी कॉपी है उसके अंदर, आपने कोई नई इमेज लगानी थी इमेज चेंज करें, डिस्क्रिप्शन कोई नई लगानी थी जो आपने लिख के रखी हुई है ड्राफ्ट में वो कॉपी पेस्ट कर दें, दैट्स इट. देन क्रिएट अनदर कॉपी और उसके अंदर लेट से आप कोई एड के अंदर और चेंजेस करना. सो एक ही एड ग्रुप में आप एक एड बनाया एंड क्विकली उसके डुप्लीकेट्स बना के आपने उसके अंदर चेंजेस कर दिया. अब लेट से इसका नाम चेंज कर दें आप, इसका कैरोसेल लेट से टू कर दें, या जो भी आपने इसका एड बना इसका नाम रखना है और नाम आपका आपने चेंज कर दिया. इज दैट क्लियर कि हाउ डुप्लीकेशन वर्क्स एंड हाउ इट इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर्स दैट यू कैन यूज. सो आपको हर बार नया एड नहीं क्रिएट करना पड़ता कि नया बनाएंगे उसके बाद उसके अंदर और चीजें ऐड करेंगे, दिस एंड दैट. आप एक ही दफा जाके डुप्लीकेट क्रिएट करें एंड उसको अपने हिसाब से ऐड टाइप चेंज करनी है, ऐड टाइप चेंज कर लें. लेट से पहले सिंगल इमेज ऐड था और डुप्लीकेट करके, अब ये तो कैरोसेल है इसमें आप चेंज नहीं कर सकेंगे, लेट मी डिलीट इट अदरवाइज इट विल गो लाइव, सिंस दिस इज एन एक्चुअल कैंपेन एंड आई डोंट वॉन्ट के we mess up with a live campaign. For example, हमारे पास ये ad one है. यहाँ पे क्या है जी, single image campaign है, यानी कि एक ही image है और उसके अंदर ये use किया गया है description. So यहाँ पे क्या किया, click किया इस पे, quickly duplicate कर लिया. आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं उसका एड वन की कॉपी बन गई, अब सिलेक्टेड भी यही है. सो क्या करूंगा मैं, लेट से मीडिया क्रिएटिव में पिक्चर इसकी चेंज करना चाहता हूँ, ये मैंने डिलीट पे किया, या लेट से मैं इसको कैरोसेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आई कुड
क्लिक ऑन कैरोजल, बट कैरोजल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने अगर डुप्लीकेट करना था तो मैं कैरोजल को ही कर लेता ना, सिंगल इमेज को तो नहीं करके अपना काम बढ़ाना मैंने. सो व्हाट आई वुड डू, मैं यहाँ पे लेट्स से कोई इमेज चेंज करना है या वीडियो डालनी है, आई विल एड इमेज और एड वीडियो फ्रॉम हियर. एंड दिस इज हाउ मेरा एक मुकम्मल जो एड मैंने बनाया था उसकी एक कॉपी बन जाएगी, राइट. सो क्या मैंने किया कि मैंने पहले एक एड ग्रुप के अंदर 3-4-5 के एड क्रिएट कर लिए, और उसकी प्रोडक्टिविटी का ख्याल करते हुए मैंने डुप्लीकेशन वाले फीचर को भी जरा अच्छे तरीके से यूज किया. नाउ नेक्स्ट इज के एक एड ग्रुप था उसके अंदर मैंने 4-5 एड बना लिए. वो एड ग्रुप टारगेट कर रहा था मिसाल के तौर पे जस्ट लाहौर को, बाई लोकेशन था वो एड ग्रुप, ऑडियंस जो थी वो लाहौर की ऑडियंस को टारगेट कर रहा था. अब मैं कराची के लिए एक अलग एड ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, तो व्हाट शुड आई डू. या तो एक तरीका ये है कि मैं एड्स मैनेजर में जाऊं, कैंपेन सेलेक्ट करूं, कैंपेन के अंदर जाके दोबारा एड क्रिएट, अपना एड ग्रुप नया क्रिएट करूं, उसके अंदर सारी ऑडियंस ऐड करूं, फिर उस एड ग्रुप के अंदर 1 by 1 सारे एड दोबारा क्रिएट करूं, राइट. सर द लिनियर वे इज दिस, यानी ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक तरीका. बट टू वर्क स्मार्टली हियर आप क्या कर सकते हैं, जो आपने एक एड ग्रुप बनाया था उसको सेलेक्ट करें और उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लें, राइट. हियर यू गो, एंड आपने उसका क्विक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया. ये आ गया जी, इस पे आप यहां पे आप इसका नाम भी देख लें, एड ग्रुप कॉपी, यानी कि ये चीज वो आ गई जो अभी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आ गया ना, ये कॉपी होके पेस्ट हो गया, राइट. हियर यू कुड सी, अब यहां पे आप देखें एड ग्रुप भी आ गया और उसके अंदर वाले पांचों चारों पांचों जो आपने एड्स बनाए थे वो भी कॉपी पेस्ट हो गए. तो आप क्या करेंगे, पहले एड ग्रुप को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपने जो ऑडियंस चेंज करनी थी आप वो ऑडियंस चेंज कर लें. लेट्स से पहले अगर लाहौर लगाई थी आपने लोकेशन, और इस एड सेट में आप स्पेसिफिकली दूसरी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कराची को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप कराची को टारगेट कर लें. या पहले एड ग्रुप में अगर आप सिटी वाइज उसको डिफरेंशिएट नहीं करें, पहले एड ग्रुप में आप 25 साल से या 30 साल से ऊपर वालों को टारगेट कर रहे थे, दूसरे एड सेट में 30 साल से नीचे वालों की एज ब्रैकेट्स यहां पे लिख दें. या अगर एक एड ग्रुप में आप इंटरेस्ट ए को टारगेट कर रहे थे, दूसरे एड ग्रुप में इंटरेस्ट बी को टारगेट कर लें. यू गेटिंग द पॉइंट कि हम मुख्तलिफ एड ग्रुप्स बनाते क्यों हैं, नंबर वन, और नंबर टू क्विकली डुप्लीकेट क्रिएट करके कैसे हम इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं और वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर हुई कि हम एड नंबर वन एड्स को कॉपी करके हाउ वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, नंबर टू हम एड ग्रुप्स को कॉपी करके हाउ वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव. और इस तरीके से आप आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या बन जाती है कि आपने को ढंग के 3-4-5 एड्स बना लिए फॉर एनी डुप्लीकेट के अंदर फैसला होता है कि आप उनको रियल टाइम में एडिट भी कर सकते हैं. आपने लेट से पूरे एक एड को आपने क्विक डुप्लीकेट किया तो फॉरन से उसकी कॉपी बन जाएगी, अगर उसको सिंपल डुप्लीकेट किया तो आपके सामने उसकी कॉपी आ जाती है कि हाँ जी इसमें से कुछ चेंज करना है आपने, अगर चेंज करना है तो कर लें. आप चेंज कर लेते हैं जो चीजें चेंज करनी है, देन यू वुड क्रिएट क्लिक ऑन डुप्लीकेट और फिर उसकी कॉपी बनेगी. तो क्विक में यह है कि फॉरन कॉपी बन गई, आपने जो चेंजेस करने हैं आपने चेंजेस कर लेने हैं, और सिंपल डुप्लीकेट में पहले वो कहेगा जी चेंजेस अब बताओ क्या करने हैं, एंड देन इट विल क्रिएट अ कॉपी. क्विक डुप्लीकेट इज प्रीटी सिंपल.
I will prefer Kamran this quick duplicate option. यस हम एक एड ग्रुप को दूसरी कैंपेन में भी ले जा सकते हैं. हाउ डू दैट? पहले मैं इसको जरा रिमूव कर लूं, अनवांटेड कॉपीज को कॉपी किया था एंड हम एक कैंपेन के एड ग्रुप को दूसरी कैंपेन में कैसे लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक्टिव कैंपेन है मिसाल के तौर पे. इसका स्ट्रक्चर भी पहले देखें, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. यहां से इसका स्ट्रक्चर शुरू होता है. नंबर वन है, ऊपर आपने देखना है कैंपेन्स वाली लाइन में पहले क्या चीज आ रही है, कैंपेन. उसके साथ क्या चीज आ रही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में, दैट इज एड ग्रुप्स. यहां पे आप देख सकते एड सेट्स. गूगल में इसको एड ग्रुप्स बोलते हैं, यहां पे एड सेट बोलते हैं. चीज ये सेम है. तो समटाइम्स मेरे मुंह से भी कभी एड ग्रुप निकल रहा होता है, कभी एड सेट निकल रहा होता है. आपने उसको समझना यही है कि इट्स दैट पॉइंट जिसमें आप ऑडियंस वगैरह को सिलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे एड सेट्स दूसरे पॉइंट पे आ रही है, दूसरी टैब में आ रही है, और तीसरी टैब में आ रहे हैं आप देख सकते हैं एड्स. तो स्ट्रक्चर जो है आपने पहले ये समझना है. हमने जैसे कि यहाँ पे किया था ना, एक कैंपेन है उसके अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं एंड उसके अंदर मल्टीपल एड हो सकते हैं. सो आप क्या करेंगे, काउंटर टॉप्स या जो भी अपनी आपकी कैंपेन है उसको सिलेक्ट किया, और अभी देखें वो कैंपेन होगी सिलेक्ट. सो यहां पे आ गया कि आपने एक कैंपेन सिलेक्ट की हुई है राइट प्रीवियस स्टेप के अंदर, और अभी आप किस टैब में है, एड सेट्स वाली. तो उन्होंने लिख दिया एड सेट्स फॉर वन कैंपेन जो आपने सिलेक्ट किया है. और यहां पे आप देखें इस कैंपेन के अंदर एड सेट कितने आ रहे हैं, जितने जाहिर है आपने क्रिएट किए होंगे. फर्ज करें फॉर एनी रीजन, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा आप इसको दूसरे कैंपेन में ले जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें यहां से एंड गो बैक हियर. लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं. गो बैक टू कैंपेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. गो बैक टू कैंपेन्स, अब इसको अनसेलेक्ट कर देना है आपने, एंड जिसके अंदर इसको पेस्ट करना है आपने, जिस कैंपेन के अंदर इसको पेस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें. एंड ऊपर डुप्लीकेट वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें और यहां पे पेस्ट कर दें. पेस्ट करने से क्या होगा, जो आपने कैंपेन ऊपर वाली कैंपेन का एड सेट कॉपी किया था वो नीचे वाली में पेस्ट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन मूव योर एड ग्रुप्स फ्रॉम वन कैंपेन टू अदर कैंपेन. आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, अगर किसी वजह से आप डिलीट कर बैठे हैं कोई चीज, गो हेयर सर्च एंड फिल्टर पे क्लिक किया. फॉर एग्जाम्पल आप एड्स में चले जाते हैं, आपने कोई एड किसी गलती की वजह से डिलीट कर दिया, यू गो टू हेयर फॉर एग्जाम्पल, इन एड्स में आप आ गए, आप यहां पे क्लिक करते हैं सर्च एंड फिल्टर पे, और ऊपर क्योंकि मैंने खुद रिसेंटली एक केस एक इस तरह का सिनेरियो आया था जहां पे मुझे डिलीटेड एड रिकवर करना था. सो आप यहाँ पे एड डिलीवरी पे जाएंगे और लिख देंगे डिलीटेड. यहाँ पे है ये कुछ सी डिलीवरी, किधर गया डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी में जाएं और एड डिलीवरी को चूज करें या कैंपेन डिलीवरी व्हाट्स एवर, और यहां से आप चूज कर सकते हैं. डिलीटेड पे क्लिक करेंगे आपके पास वो एड आ जाएंगे जो आप किसी वजह से या क्लाइंट से मिस्टेकनली या फॉरगेटफुली डिलीट हो गए थे, अप्लाई करें वो डिलीटेड एड भी यहाँ पे आ जाएंगे. सो आप यहाँ पे जो भी बना रहे हैं वो यहाँ का फेसबुक का हिस्सा रहेगा. आपको शो हो या ना हो अलग बात है, अगर शो जिसने करना हो, जिसको ऑप्शंस यूज करने आते हो, वो यहाँ पे डिलीवरी में जाके आपकी डिलीटेड कैंपेन्स, आपके डिलीटेड एड ग्रुप्स, वो सारी चीजें यहाँ से देखे जा सकते हैं.
रिलेटेड क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, ऊपर लिखा है आपके पास सर्च एंड फिल्टर, राइट, ये वाला ऑप्शन। व्हाट यू वुड डू, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले वाले ऑप्शंस को इग्नोर करें क्योंकि दिस इज द फिल्टर दैट आई हैव क्रिएटेड। क्योंकि अक्सर मुझे भी देखने होते हैं कि किसी अकाउंट में कौन से पहले एड या कैंपेन्स डिलीट की गई हैं। सो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, आपको फिल्टर्स यहां से शुरू होंगे, इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। अब आप किस चीज को रिकवर करना चाह रहे हैं, कैंपेन को करना चाह रहे हैं, एड सेट को करना चाह रहे हैं, या एड को करना चाह रहे हैं। सो मिसाल के तौर पे आप एड को देखना चाह रहे हैं, आप एड को क्लिक करें एंड देखें किस स्टेटस वाले एड्स आप देखना चाह रहे हैं। आपके पास एड नॉर्मली आ रहे होंगे एक्टिव वाले, ऑफ वाले, डिलीटेड वाले खत्म हो जाते हैं, आपको अकाउंट में बजाहिर वो शो नहीं कर रहे होते अनलेस यू यूज दिस फिल्टर। सो आप क्या करेंगे, एड डिलीवरी में जाके डिलीटेड को सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। एंड व्हाट वुड हैपन, अगर कोई एड पास में डिलीट किए गए हैं इस कैंपेन के अंदर, आपके पास वो एड हूबहू सामने आ जाएगा। फिर आप उसको एडिट करके, उसको प्रीव्यू करके, जो चीजें कॉपी उसमें से करना चाहते हैं, कोई इमेज लेना चाहते हैं या उसको व्हाटसोएवर, उसको डुप्लीकेट, यू कुड डू दैट। तो दिस इज बहुत सारे केसेस में दिस इज अ वेरी पावरफुल फीचर। यानी कि ये वैसे तो अभी इसकी पावर का आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि आई मीन कहाँ पे इसका यूज केस क्या है, बट जब आप रियल में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह की कैंपेन्स, डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स के साथ, तो इस तरह के केसेस या इस तरह की इवेंट सामने आते हैं जब आपको रिकवर करने पड़ते हैं पुराने एड्स, या बाज दफा आपसे डिलीट हो जाते हैं। मेरे साथ इस तरह रिसेंटली एक दो बार हुआ है कि मैंने एड डिलीट करना था, लेट से एड ए, और मैं बस बेध्यानी में डिलीट कर दिया एड बी, उसको डिलीट कर दिया। अब एड ए पे मैंने ही कुछ 3 घंटे लगा के मेहनत की थी, अब नाउ दैट एड इज गॉन, तो व्हाट आई वुड डू, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं डिलीट में जाके और वो सारी चीजें, क्या मैंने कॉल टू एक्शन दिस एंड दैट में वो सारी चीजें वेरीफाई कर सकता हूँ। यस, आप ये कैंपेन्स के साथ भी कर सकते हैं, एड सेट्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर पूरी कैंपेन ही लेट से डिलीट हो गई थी, आप यहां से उसको देख सकते हैं डिलीटेड कैंपेन के अंदर। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर होगी आपको कि आप कैसे डिलीटेड कंटेंट दोबारा देख सकते हैं। परफेक्ट, चलें जी, ये तो तरीका था फेसबुक को एक काइंड ऑफ सेमी प्रोफेशनल लेवल पे चलाने के लिए, जिसमें हम जरा वो बूस्ट लेवल से ऊपर आ गए थे कि कैसे हम बूस्ट करते हैं कैंपेन को या पेज लाइक्स करते हैं, जो कि एक बिल्कुल एक बेसिक मार्केटिंग, फेसबुक पे बेसिक मार्केटिंग का एक तरीका है। उसके बाद हमने कैंपेन वगैरह डिजाइन करना देख लिया कि कैसे उसके पूरे फनल के हिसाब से हम लेके चलते हैं चीजों को, कैसे हम कॉल टू एक्शन चूज करते हैं, मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप्स या एड सेट्स बना सकते हैं, उसमें कैसे हम सिंगल इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सक्लूड करते हैं ऑडियंस, प्लेसमेंट बाय डिवाइस कैसे करते हैं, राइट, सीबीओ वगैरह को कैसे हम एक्टिव करते हैं, कैसे इसका व्हाट द डिफरेंस दैट इट ऑल मेक्स, ये तमाम चीजें हमने काइंड ऑफ सेमी प्रोफेशनल में देख ली। अब हम थोड़ी सी और एडवांस फॉर्म में जाएंगे जिसमें हम कैंपेन्स बनाना सीखेंगे कन्वर्जन के लिए, और ये जो टाइप है इसमें आपका ध्यान बहुत ज्यादा चाहिए। अगर अभी तक आप सिर्फ 50% ध्यान दे रहे थे, या अभी तक आप जो भी ध्यान दे रहे थे वो 50% था, तो अभी आपको 100% देना पड़ेगा, वरना यू विल मिस द कॉन्सेप्ट, राइट, और आप भूल जाएंगे कौन से स्टेप्स थे। आंख हो जल पहाड़ हो जल, आपने एक मिनट के लिए दाएं बाएं जोन आउट हुए आप, तो आप यू विल मिस द एक्चुअल स्लाइस, क्योंकि ये एक्चुअल क्लाइंट्स जो हैं, जो रियल क्लाइंट्स हैं, वो इस तरह की मार्केटिंग आपसे चाह रहे होंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। अभी तक जो आपने किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट
फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, लेकिन जो अभी हम करने वाले हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट्स को आप क्लाइंट्स आपसे ये वाली फॉर्म चाहते हैं कि आप ये वाली फॉर्म परफॉर्म करें जिसमें आप महज क्लिक्स एंड लाइक्स एंड ये चीज डिलीवर नहीं कर रहे होते, आप कन्वर्जियंस पे फोकस कर रहे होते हैं, आप फोकस कर रहे होते हैं कि सेल्स कितनी हुई, एक्शंस कितने परफॉर्म किए गए, राइट? ये तमाम चीजें आप मेयर कर रहे होते हैं, यानी अभी जो कैंपेन्स हैं वो मेयरमेंट की तरफ जा रही हैं। अभी तक जस्ट परफॉर्मेंस ठीक है जी, क्लिक्स कितने हुए एंड टारगेटिंग आपकी ठीक है। भाई ये टारगेटिंग वाला आपका सेम नॉलेज आगे भी यूज होगा, जो अभी हमने ऑडियंस बनाना ये सारी चीजें सीखी हैं, ये आगे भी यूज होगा, बट आगे यू वुड बी बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड सो फार। जो अभी तक सीखा है इसके ऊपर अब जितनी इमारत खड़ी की है इसके ऊपर अब हम मजीद ईंटें लगाने जा रहे हैं, मजीद इसको ब्यूटिफाई करने जा रहे हैं। तो अगर ये ईंटें कमजोर थी अटेंशन ना देने की वजह से, दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसी के ऊपर तो बिल्ड करना है। और मैं फेसबुक पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीख रहे हैं ये हमने कॉन्सेप्ट्स आगे फेसबुक मार्केटिंग में, गूगल एड्स में भी जाके ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करने हैं, यही हमने लिंक्डइन मार्केटिंग में भी जाके यूज करने हैं, यही हमने ट्विटर मार्केटिंग में भी जाके यूज करने हैं। तो यहाँ पे वो आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होगी तो ट्विटर मार्केटिंग 1-2 दिन की बात है, लिंक्डइन मार्केटिंग 2 लेक्चर्स की मार है, गूगल एड्स उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नॉट एज मच एज वी आर स्पेंडिंग ऑन फेसबुक। यहां से आपकी बेस बन रही है। सो अभी ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग और पिक्सल्स की तरफ एंड कस्टम कन्वर्जन की तरफ एंड गूगल एनालिटिक्स एंड लैंडिंग पेज एनालिसिस की तरफ अब हम जाने वाले हैं, ये आपकी ना सिर्फ फेसबुक स्ट्रांग करेगा बल्कि इट विल बी सेटिंग द फाउंडेशन फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स टू, गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे मिस करने वाला कोई चांस आपने नहीं लेना, बाकी जो चीजें हैं उसको सेक्रीफाइस थोड़ा सा करें, अब लेक्चर्स को सेक्रीफाइस करेंगे तो आगे वाली चीजें भी समझ नहीं आएंगी, गूगल एड्स लिंक्डइन एड्स एंड सब, क्योंकि वो वहां पे ट्रैकिंग के बगैर तो एड चलाना ऐसे है जैसे आप हवा में तीर चलाए मारी जा रहे हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के हवा में तीर आप चला रहे हैं, यानी कि लग भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि लगा था कि नहीं लगा था। ट्रैकिंग के बगैर कैंपेन्स ऐसे हैं, अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग और ये चीजें प्रॉपरली सेटअप नहीं की तो इट्स लाइक यू आर हवा में तीर चला रहे हैं अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के। राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अब कन्वर्जन ट्रैकिंग वाली कैंपेन्स को बनाना, सेटअप करना। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं जो अभी तक आपने किया था, अब आपको जब आप ये पूरा नेक्स्ट हमारा ये जो मॉड्यूल है ये कंप्लीट करेंगे तो जो अभी तक आपने फेसबुक मार्केटिंग में किया था ये आपको पीनट्स लग रहे होंगे, यू वुड फील यार अच्छा वो हमने 24 दिसंबर तक तो पीनट्स ही करते रहे हैं, एक्चुअल में सारी गेम तो आगे थी। अभी हम क्या चीजें देखेंगे या करने वाले हैं उसके अंदर, नंबर वन आता है फेसबुक पिक्सल। किस लिए है ये? कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए, ठीक है? इसके अंदर हमने और कौन कौन सी चीजें देखनी होंगी? नंबर वन, हम लैंडिंग पेज एनालिसिस करना सीखेंगे। अब ये लैंडिंग पेज एनालिसिस एंड गोल्स एंड बाकी आगे वाली चीजें जब ये आप करना सीख जाते हैं तो आप, या अगर आपको ये नहीं आती तो आप ना गूगल एड्स से ही चला सकते हैं, ना लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, फेसबुक एड्स। तो ये जो चीजें हैं ये
डायरेक्टली कनेक्टेड है विद ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, वो चाहे गूगल पे है। सो आप टेक्निकली इसको समझ सकते हैं कि जो हम अभी कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं वो फेसबुक में अभी हम यूज करना अभी सीखेंगे, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन गूगल में भी है, जो जो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम गूगल में जाएंगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन लिंक्डइन में भी है, जो हम तब देखेंगे जब हम लिंक्डइन में भी जाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि अप्लाई होता है फेसबुक में भी और बाकी प्लेटफॉर्म। सो लैंडिंग पेज एनालिसिस में हम देखेंगे कि उसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे लैंडिंग पेज में होने चाहिए। उसके अंदर कॉल टू एक्शंस क्लियरली डिफाइन है, उसके अंदर कन्वर्जन इवेंट्स सेटअप किए जा सकते हैं, उसके अंदर सोशल प्रूफ्स एडेड हैं, उसकी जो कॉपी है कॉपी राइटिंग वाली कॉपी, क्या वो लैंडिंग पेज की अच्छी लिखी गई है, कंपेटिटर्स ने कैसा अपना लैंडिंग पेज बनाया है और इसका लैंडिंग पेज कैसा है या अपने क्लाइंट का। सो ये सारा कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कन्वर्जन सेटअप्स हम लैंडिंग पेज एनालिसिस में देखेंगे, जो कि ना सिर्फ फेसबुक एड में यूज होता है ये स्किल, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन, ये स्किल गूगल है और बाकी में भी यूज होता है, राइट। एंड देन वी विल सी क्रॉस मेजरमेंट के लिए, क्रॉस एनालिसिस के लिए गूगल एनालिटिक्स, वो हम यहाँ पे ही देखेंगे, यानी कि एनी चंद लेक्चर्स में जो आगे आने वाले हैं रिलेटेड टू अ लिटिल एडवांस फेसबुक मार्केटिंग में, हम इसमें देखेंगे कि वो तमाम चीजें जो आप मैयर कर रहे हैं गूगल फेसबुक पिक्सल के अंदर, उसको हम एक और प्लेटफॉर्म पे भी मैयर करना देखेंगे, गूगल एनालिटिक्स, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि अगर फेसबुक पिक्सल हमें कह रहा है कि जी 5 कन्वर्जन हुई हैं, तो क्या गूगल एनालिटिक्स भी हमें सेम डेटा दे रहा है कन्वर्जन डेटा। अगर कुछ, क्योंकि फेसबुक पिक्सल के अंदर जब से iOS 14 का अपडेट आया है, अब वो अपडेट है क्या, एप्पल वालों ने क्या किया कि कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, कि लोग अगर चाहें, जो आईफोन ओनर्स हैं अगर चाहें तो वो ट्रैकिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यानी तमाम मोबाइल वालों को, आईफोन वालों को जिन्होंने 14 उनका iOS का वर्जन यूज कर रहे थे, सबको एक उस वर्जन के अंदर सबको एक प्रॉम्प्ट भेज दिया, एक पॉपअप भेज दिया कि क्या आप ट्रैकिंग ऑफ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं। अब अपनी तरफ से तो एप्पल वाले बड़े अच्छे बच्चे बने के जी हमने देखे, जी हमने तो लोगों से परमिशन लेके ऑन या ऑफ किया। अब जब इस तरीके का पॉपअप आपके पास या मेरे पास आएगा कि क्या आप, और उसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया हो कि दूसरी एप्स और दूसरी वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती रहती हैं हर वक्त, क्या आप ट्रैकिंग ऑन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। तो आप और मैं लाइक अ नॉर्मल पर्सन, हम क्या करेंगे, हम उसको ऑफ पे क्लिक कर देंगे, ऐसा ही है ना, हम करेंगे डियर आईफोन आई डोंट वांट पीपल और एप्स टू ट्रैक मी। अब जब वो ट्रैकिंग ऑफ कर दी तो मुश्किलात फेसबुक, अब आईफोन यूजर्स होते भी ज्यादा इसी तरीके के ही हैं, राइट। बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़ी जिनको टेक्निकल नो हाउ स्ट्रांग होगी, बट यूजुअली आई मीन दे आर नॉट मच इन टू टेक्नोलॉजी इवन दो दे आर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ आईफोन। तो ज्यादातर लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट उसको ऑफ कर दिया। अब इससे मुश्किलात पैदा हो गई फेसबुक के लिए भी और बाकी कंपनीज के लिए भी, क्योंकि फेसबुक तो चलती ही इस मॉडल पे है, उसके एड्स तो चलते ही इस मॉडल पे हैं, वो लोगों के बिहेवियर्स को ट्रैक करती है, कौन कहाँ पे क्लिक कर रहा था विद इन द ऐप, या किसने कौन सी वेबसाइट विजिट की और वहां पे अगर पिक्सल वगैरह लगा हुआ था तो कितनी कन्वर्जन ट्रैक हुई। फेसबुक तो चलती ही इस मॉडल पे थी, और आईफोन जो कि यूएस में बड़े यूज किए जाते हैं, मेजॉरिटी ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हमको ट्रैक ना किया जाए। अब फेसबुक कैसे उन इवेंट्स को और उन तमाम चीजों को वो करे, ट्रैक करे, सेल्स हो रही होती हैं एक्चुअल में बट फेसबुक रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, राइट।
बाज दफा सही से एड्स ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों ने तो ऑप्ट आउट कर दिए ना, फेसबुक कैसे कंफर्म करे कौन से एड कौन लोग देख रहे हैं, राइट? कैसे इवेंट्स वगैरह को वेरीफाई करें? तो फेसबुक के लिए ये एप्पल ने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। तकरीबन ये 4-6 महीने पुरानी बात है, 4-6 महीने के पुराने आप मार्क जकरबर्ग के भी फेसबुक स्टेटसेस देखें तो उसमें भी वो एप्पल एप्पल ही कर रहा होता है कि एप्पल को ने ये जो किया है एंड एप्पल ने वो जो किया है। और अभी रिसेंटली जो उसने मेटावर्स की एक वीडियो अ फ्यू मंथ्स बैक शेयर की थी, उसमें भी जरा वो थोड़ा सा एक होता ना टीज करना दूसरी कंपनी को, तो वो एप्पल को जरा पॉइंट आउट कर रहा होता है कि जैसे दूसरी कंपनीज मिसाल के तौर पे एप्पल अचानक से कोई पॉलिसी चेंज करते हैं और पूरा दूसरी कंपनीज भी उससे परेशान होते हैं, वो एक मिसाल के तौर पे इसको शेयर कर रहा होता है। बैक एंड पे क्या होता है, यही प्रॉब्लम जो एप्पल ने फेसबुक के लिए और बाकी कंपनीज के लिए क्रिएट की। अभी रिसेंटली एप्पल ने और चेंजेस लाए अपने आईओएस के अंदर, जिससे ईमेल ट्रैकिंग में भी मुश्किलात पैदा हुई। जो ईमेल मार्केटिंग में है लोग उनको आइडिया होगा, तो होता क्या है कि ईमेल जितने भी ईमेल्स भेजे जा रहे होते हैं आईफोन यूजर्स को, वो रिपोर्ट बैक ओपन्ड हो रहे होते हैं, यानी कि अपने ईमेल मार्केटिंग डैशबोर्ड्स में अगर आप देखें तो यही नजर आ रहा होता है कि जनाब आपकी सारी ईमेल्स ओपन हुई हैं। जिस जिस यूजर का आईफोन था वो सबका जो रिटर्न स्टेटस आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है कि सब ने ही ईमेल, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी हम आगे जाके देखेंगे उसके लिए स्ट्रैटेजीज ईमेल मार्केटिंग क्या हो सकती है। बट अब ये जो फेसबुक पिक्सल के अंदर आपके पास डेटा आ रहा होता है कन्वर्जन वाला, ये 100% जब से ये अपडेट आया है 100% करेक्ट नहीं होता, और हमें इसको किसी और प्लेटफॉर्म से भी मैयर करना पड़ता है, जिसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स पे फोकस करेंगे कि सेम कन्वर्जेंस जो हमने फेसबुक पिक्सल में बनाई थी वही कन्वर्जेंस हम गूगल एनालिटिक्स में भी बनाएंगे, देखेंगे एंड उसको मैयर करेंगे कि हाउ वी कैन क्रॉस वेरीफाई कन्वर्जेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्रीटी सिंपल, ऑल थिंग्स आर प्रीटी सिंपल सो फार। क्लैरिटी इज नॉट दैट पावरफुल। ऊपर किसी का क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक टूल है क्लैरिटी जो गूगल एनालिटिक्स की तरह ही काम करता है, बट दैट इज नॉट एज पावरफुल एज गूगल एनालिटिक्स। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अच्छे हैं, जैसे हीट मैप्स उनके काफी सॉलिड टूल है जो गूगल एनालिटिक्स में नहीं है, बट ऑल इन ऑल आई वुड से गूगल एनालिटिक्स इज स्टिल द विनर हेयर, राइट? एंड कुछ जगहों पे हम गूगल टैग मैनेजर को यूज करना सीखेंगे। इसका ज्यादा यूज गूगल टैग मैनेजर का फेसबुक में हम नहीं करेंगे, अग्रेसिव यूज करेंगे हम गूगल एड्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी कैसे आप इवेंट्स बनाते हैं और कैसे टैग मैनेजर में बनाए गए इवेंट्स को आप गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं एंड देन गूगल एनालिटिक्स में भी मैयर कर रहे होते हैं कन्वर्जेंस को और फेसबुक पिक्सल में भी मैयर कर रहे होते हैं, और जो डिफरेंस आता है यू स्टडी दैट डिफरेंस, क्योंकि उस डिफरेंस का कुछ हो तो सकता नहीं है, राइट? सो जो भी चीज आपको मिल रही होगी दैट वॉन्ट बी 100% एक्यूरेट, कुछ 95% एक्यूरेट होंगी, कुछ 90% एक्यूरेट होंगी, कुछ 99.99% एक्यूरेट होंगी, राइट? सो यू वुड बी सीइंग द डिफरेंस ऑल ओवर अक्रॉस ऑल द टूल्स। इसका एक और भी टूल है एडोब क्लाउड, उसके अंदर भी वो चीजें की जाती हैं जो आप गूगल एनालिटिक्स में करते हैं, ट्रैफिक मायर एंड ऑल दैट स्टफ। बट सिंस आई हैव डन दैट फॉर अ फ्यू क्लाइंट्स एडोब क्लाउड के अंदर, उनका जो मार्केटिंग क्लाउड है उसके अंदर भी स्टेटस डिफरेंट आ रहा होगा, यानी कि Adobe क्लाउड बता रहा होगा आपको 10 कन्वर्जेंस मिली हैं, आपका गूगल एनालिटिक्स बता रहा होगा आपको 11 कन्वर्जेंस मिली हैं, फेसबुक पिक्सल बता रहा होगा आपको 8 कन्वर्जेंस मिली हैं,
आपका शॉपिफाई स्टोर बता रहा होगा मिसाल के तौर पे आपको 10 कन्वर्जन्स मिली हैं मिसाल के तौर, सो यू वुड सी कि रियल कन्वर्जन जो आपको मिली हैं या रियल सेल्स जो हुई हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म दुरुस्त बता रहा है या कौन सा प्लेटफॉर्म करीब तरीन बता रहा है। सो उसके हिसाब से आपके जहन में एक चीज, योर माइंड वुड बी एजुकेटेड, आप अपने माइंड को एजुकेट कर रहे होंगे कि डिफरेंस जो है वो आएगा ही आएगा जितने भी आप कन्वर्जियन के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, बट आपने देखना है कि कहाँ पे डिफरेंस कम आ रहा है, कम तरीन आ रहा है, राइट। सो आपको जो सेल्स एक्चुअल में हुई है वो तो अब आपको ही पता है ना, जितने साइन अप्स हुए हैं अब वर्डप्रेस से वेरीफाई कर लेते हो, या आप अगर शॉपिफाई स्टोर है तो वहां पे आपको पता चल जाता है रियल में सेल्स कितनी आई हैं। सो आपको पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है विच प्लेटफॉर्म इज लाइक क्लोजर टू द रियलिटी, और फर्क आया भी तो कुछ 2-4% का फर्क होता है अगर आपने सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग दुरुस्त तरीके से इम्प्लीमेंट की हुई है। ऐसा नहीं होगा कि फेसबुक 0 कन्वर्जन बता रहा होगा और आपकी 10,000 सेल्स हुई होंगी, या सेल आपकी 0 हुई होगी और फेसबुक आपको 10,000 कन्वर्जन बता रहा होगा। अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सही सेटअप की है अक्रॉस ऑल द चैनल्स तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, 4-5%, 8% का फर्क आ सकता है। या अगर आपने टारगेट ही आईफोन यूजर्स को किया हुआ था तो ये डिफरेंस थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आईफोन यूजर्स बहुत सारों ने ऑप्ट आउट किया हुआ है खुद को कन्वर्जन ट्रैकिंग से, तो फेसबुक मॉडल्ड डेटा बता रहा होता है आपको। मॉडल्ड डेटा क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया डेटा कन्वर्जन वाला। सो इस चीज को अपने जहन में रखना है। ऑल इन ऑल कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी जो हमने डिस्कस किया है, अभी हम अजान ब्रेक लेने वाले हैं, लुबे लबाब इसका क्या है, इसकी समरी क्या है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम करेंगे ट्रैक, उसको सेट करेंगे, डिफरेंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने खुद को नंबर 1 अभी तो खुद लर्न कर रहे हैं, खुद को भी हमने ये चीजें लर्न करनी है और क्लाइंट को भी एजुकेट करना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिफरेंस इन कन्वर्जेंस। लेट्स हैव अजान ब्रेक एंड विल बी बैक इन 5-7 मिनट्स। सो व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड? वी विल सी कि कैसे हम फेसबुक पिक्सल सेटअप करते हैं। फेसबुक पिक्सल सेटअप करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है? जाहिर है फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए, राइट? आपकी कुछ कैंपेन्स अगर रन हुई हैं दैट इज बेटर, बट एक एक्टिव फेसबुक एड अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक एड अकाउंट से प्रीटी अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज है, आपके पास कोई वेबसाइट भी होनी चाहिए जिसके ऊपर किए गए एक्शंस आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। वो वेबसाइट वर्डप्रेस हो सकती है, वर्डप्रेस बेस्ड हो सकती है, वो शॉपिफाई हो सकती है, वो विक्स वगैरह हो सकती है, वो स्पेस स्क्वायर हो सकती है, दैट कुड बी कस्टम प्लेटफॉर्म हो सकता है, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। आपको इम्प्लीमेंटेशन जब हम सीख लेंगे तो प्लेटफॉर्म जो भी है यू विल लर्न दैट, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया में बनाई गई वेबसाइट कुछ 45% वर्डप्रेस को यूज करती हैं। सो हम वर्डप्रेस पे देखेंगे कैसे हम पिक्सल इंटीग्रेशन एंड इवेंट सेटअप देखते हैं, राइट? बाकी जो चीजें हैं उसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई, वेक्स या कोई कस्टम प्लेटफॉर्म तीसरी किस्म का है। एक दफा आपको इम्प्लीमेंटेशन का पता चल जाएगा, प्लेटफॉर्म जो भी हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग फेसबुक पिक्सल इन अदर, राइट? ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। वेबसाइट अगर है तो एक्शंस भी, सीटीएस वगैरह जो है ये क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है सो हम क्लाइंट को कहेंगे कि अपने सीटीएस कॉल टू एक्शंस अपनी वेबसाइट पे, यानी कि उस तरह के बटन्स, उस तरह के फॉर्म्स, उस तरीके के एक्शंस होने चाहिए जिसको ट्रैक किया जा सके। एक खाली पेज पे आप फेसबुक पिक्सल लगा के क्या ट्रैक करेंगे?
कुछ भी नहीं, राइट? तो हमने वो देखना है कि उसमें इनफ कंटेंट एंड स्टफ, वो सारी चीजें हैं जिसके अंदर पूरा लैंडिंग पेज एनालिसिस आ जाएगा। सो ये चीजें हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम करते क्या है, जाते कहाँ पे हैं, वी गो टू फेसबुक इवेंट्स, ठीक है? अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में आके आप क्लिक करते हैं ये ट्रिपल लाइंस पे, ये जो थ्री लाइंस है मेन्यू वाली, यू विल क्लिक ऑन दैट एंड आप आते हैं इवेंट्स मैनेजर पे। इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। अब इसके अंदर तो सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप हैं। लेट मी फाइंड एन अकाउंट जिसके अंदर ये चीजें ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट? जब आप अपने फ्रेश अकाउंट से आएंगे, इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, सो आपके पास इस तरीके का प्लेन पेज आ रहा होगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब अभी कुछ भी सेटअप नहीं किया आपने, एवरीथिंग इज स्टिल पेंडिंग। सो हम क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। अब यहां से चीजें गौर से देखनी है। हम क्लिक करते हैं कनेक्ट डेटा सोर्सेस पे। डेटा सोर्सेस क्या इंडिकेट करता है, फेसबुक ये कह रहा है कि भाई जान जो चीजें तुमने ट्रैक करनी है वो कनेक्ट तो करो, डेटा सोर्स जो है वो कनेक्ट तो करो। कहां से मैं कन्वर्जन का डेटा लेके आऊं तुम्हारे लिए, सोर्स तो कनेक्ट करो। सो हमने क्या करना है, कनेक्ट डेटा सोर्सेस पे क्लिक कर देंगे। एंड नाउ वी हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। क्या चीज मेजर करना चाह रहे हो, वेबसाइट से कन्वर्जन्स मेजर करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन से कन्वर्जन मेजर करना चाह रहे हो, ऑफलाइन कन्वर्जन्स मेजर करना चाह रहे हो, या CRM? बहुत सारे क्लाइंट्स कस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टूल्स यूज कर रहे होते हैं, विद इन दैट कुछ करना चाह रहे हो। हम जो देखेंगे वो देखेंगे वेबसाइट को, एप्स के अंदर भी डेवलपमेंट आपको चाहिए, ऑफलाइन में भी चाहिए और CRM में भी चाहिए। यू वुड नीड द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट टू वर्क ऑन दीज थ्री प्लेटफॉर्म, दीज थ्री ऑप्शंस, ठीक है? ऐप के अंदर आपको ऐप में SDKs वगैरह, उसके कोड्स एंड स्टफ, फायरिंग इवेंट्स, फायर बेस वगैरह, वो उसमें जरा मार्केटिंग डेवलपमेंट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऑफलाइन के अंदर आपको अपने क्लाउड्स यूज करने पड़ते हैं, आपका डेडिकेटेड वेबसाइट का IP वगैरह होना चाहिए, अगर आप कन्वर्जन API और ऑफलाइन वगैरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यू वुड नीड दैट एज वेल। एंड CRM के अंदर हर क्लाइंट मुख्तलिफ CRMs यूज कर रहा होता है, हर क्लाइंट का फिर आपको हर CRM का फिर आपको नॉलेज होना चाहिए, या एटलीस्ट वो CRM जो क्लाइंट यूज कर रहे हैं। सो ये तीनों ऐसे हैं जिसमें आपको डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस चाहिए होगा टू वर्क विद, बट मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स दैट यू वुड बी गेटिंग उनका वेब के साथ ही सिंपल वेब के ऑप्शन को चूज करके जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है वो आप वहां से इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो आप क्लाइंट्स आपके पास वेबसाइट वाले आते हैं ना, ऐप डेवलपमेंट का तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, राइट? या जो ऑफलाइन स्टोर्स को ट्रैक करना उसका भी हमारा ताल्लुक नहीं है, वी डोंट नो अबाउट क्लाउड, वी डोंट नो, उसमें भी डेवलपमेंट और वो आपको टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए। सो हम देखेंगे वेब के अंदर कैसे ये सारी मेजरमेंट, यानी कि वेबसाइट बेस्ड कन्वर्जन्स हम कैसे सेटअप करते हैं और मेजर करते हैं। सो ऑप्शन क्या चूज कर लेंगे हम, वेबसाइट का, एंड क्लिक करेंगे कनेक्ट पे।
यहाँ पे वो वेबसाइट बतानी है अपने पिक्सल को। पहले आप नाम दें जो भी आप अपने इस, जैसे हमने ऑडियंसेस को नाम देना सीखा, जैसे कि हर कैंपेन का भी कोई नाम होना चाहिए, राइट, उसी तरीके से आपके पिक्सल का भी एक नाम होना चाहिए जिसको आप, क्योंकि मल्टी पिक्सल्स भी आप बाद में बना सकते हैं, तो आप हर पिक्सल को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वाला पिक्सल इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, दिस पिक्सल इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, राइट, क्योंकि यू कुड हैव मल्टीपल वेबसाइट्स विद इन वन एड अकाउंट, राइट। सो हम यहाँ पे लेट से कर लेते हैं। अब क्योंकि मैं एक रियल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट, एक रियल क्लाइंट के लिए ही ये सारा आपके सामने सेटअप करने जा रहा हूं, सो मैं उसका नाम यहाँ पे लगा देता हूं। कोई भी आप यहाँ पे नाम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसका कर दिया, तो इसे अपने इनिशियल में यूज करता हूं इसलिए ताकि मेरा किया गया काम मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, राइट। सो पिक्सल हो गया क्रिएट। अब यहां पे लगानी है आपने वो वेबसाइट जिस को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। सो मैं वो वेबसाइट यहां पे खोल लूंगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट पे ये सारा काम, ट्रैकिंग एंड सारा कुछ सेटअप करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये वर्डप्रेस बेस्ड है, सो मैं वर्डप्रेस में चला गया इसके। अब वर्डप्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन आपको आपका क्लाइंट देगा, और या आपके पास ये ऑलरेडी होनी चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आ गया वर्डप्रेस का बैकएंड। वर्डप्रेस आप में से कितने लोग यूज कर चुके हैं? अब अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें गौर से देखनी है। बच्चों वाले सवाल नहीं आने चाहिए, सर आपने कहाँ पे क्लिक किया था, सर एक बार दोबारा क्लिक करके दिखा दें, क्योंकि आई कैन नॉट गो बैक। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार पिक्सल क्रिएट हो गया और आपके हो सर वो मिस हो गया, आपने कहाँ क्लिक किया था? भाई मेरा पिक्सल तो क्रिएट हो गया ना, अब आपके लिए मैं अलग से पिक्सल तो बनाऊंगा नहीं। यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये चीजें गौर से देखनी है। देर इज नो वे बैक फॉर मी कि मैं वापिस जाके, क्योंकि सारा कुछ रियल, वी आर डूइंग ऑन द रियल अकाउंट्स, आई कैन नॉट गो बैक एंड क्रिएट अनदर पिक्सल बिकॉज यू डिडंट पे अटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्लीज इस इन तमाम चीजों को आज से फ्यूचर वाले जितने भी लेक्चर्स है गौर से देखना है। देर इज नो वे बैक फॉर मी टू ट्राई अगेन for you just because you didn't pay attention for the first time. So अगर WordPress आपने raise your hands, मैं comment ज़्यादा देख नहीं पाया, raise your hands जिन्होंने WordPress के साथ familiar हैं, उनको थोड़ा बहुत पता है WordPress में, कभी login किया हो, कभी इस तरह के dashboard में जो आपके screen पे आ रहा है इधर आए हो, कभी कोई article upload किया हो, राइट, रेज योर हैंड्स। सो वी हैव अराउंड 100 पीपल। इसमें आपका ज्यादा वर्डप्रेस के साथ कोई पाला नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। यू मे अनरेज योर हैंड प्लीज। इसमें हमने कुछ एक दो छोटी छोटी सेटिंग्स सिर्फ करनी है जो हम यहां पर देखेंगे। कोई वर्डप्रेस को हमने यूज करना नहीं सीखना यहाँ पे कि वर्ड प्रेस क्या चीज है, वो आई बिलीव आप हमारी कंटेंट मार्केटिंग डोमेन में सीख चुके हैं।
क्योंकि आई एम अ ट्रेनर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग डोमेन एज वेल, तो वहां पे इसी चीज पे ज्यादा फोकस होता है, वर्डप्रेस क्या है, दिस एंड दैट, निटी ग्रिटी सारा कुछ उस डोमेन के. सो आई वॉन्ट बी टीचिंग यू वर्डप्रेस इन दिस डोमेन फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि दैट वुड बी लाइक क्लैश बिटवीन द डोमेन्स. बट आई वुड शेयर सम रिसोर्सेज जहां पे जाके आप अपना वर्डप्रेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट आई हैड क्रिएटेड, वन सेकेंड लेट मी शेयर, होल्ड ऑन, मुझे 1 मिनट दें, आई नीड टू फेच समथिंग. Give me a second, please. मैंने लास्ट ईयर कुछ एक दो वीडियोस स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी, एंड आई हैड वो एक दो वीडियोस लास्ट ईयर बनाई थी अबाउट 9 months अगो. यू कुड फाइंड इट हियर, यू कुड गो टू, आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप एज वेल. नॉट काइंड ऑफ प्रॉपर चैनल, लेकिन दो मैंने कुछ शेयर करनी थी स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने दो वीडियोस रिकॉर्ड करके यहाँ पे की थी. बट प्लान आई ऑलवेज, आई मीन दैट वॉज इन माई माइंड, आई विल हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग द डेली डिजिटल मार्केटिंग अपडेट्स, बट आई वॉजंट एबल टू, आई मीन कैरी दैट, बट स्टिल हैव दैट इन माई माइंड इंशाल्लाह. एज सून एज आई वुड बी एबल टू मैनेज टाइम, पॉसिबली आई मीन कमिंग वीक्स आई वुड स्टार्ट शेयरिंग डेली अपडेट्स एंड डेली ट्रिक्स और समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग इस चैनल पे. सो यू यू कुड सब्सक्राइब हियर एज वेल फॉर फ्यूचर. करेंटली देर इज नथिंग ऑन दिस चैनल, आई मीन एज यू कुड सी, बट यहाँ पे मैंने एक वो प्रॉपर वीडियो बनाई थी कैसे आप फ्री में एक होल्ड ऑन, कैसे आप एक फ्री वेबसाइट पे, देर इज 000 वेब होस्टिंग, वहां पे आप वर्डप्रेस फ्री में बना सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. एक 10-15 मिनट की एक वीडियो है, यू गाइस कुड वॉच. बट चैनल पे ऐसा ये दो ही चीजें, एक तो मैंने शेयर किया था कैसे आप कैनवा प्रीमियम बना सकते हैं. आई डोंट नो इफ दैट स्टिल वर्क्स और नॉट, बट यू गाइस कैन गिव इट अ शॉट. अंटिल 9 months अगो इट वॉज वर्किंग प्रीटी फाइन, तो आप इसको भी देख सकते हैं. और जो अभी मेन है हमारा, दैट इज वर्डप्रेस ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं. सो ट्रेनिंग पर्पज के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. तो वर्डप्रेस, लेट्स से आपने वीडियो से देखा जो वीडियो बनाई गई है, प्रीटी सिंपल सा वो काम है, और आपके पास एक वर्डप्रेस बन गया, और आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन हो जाएंगे उस वीडियो को देख के वर्डप्रेस, एंड यू वुड बी हेयर. ज्यादा हम स्क्रैच से वर्डप्रेस इसलिए नहीं यहाँ पे करेंगे क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट मार्केटिंग डोमेन ऑलरेडी. एंड यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने ओपन हो गया, अब विल गो बैक टू आवर इवेंट्स, और यहाँ पे लगा दी हमने वेबसाइट जिसको हम ट्रैक करना चाह रहे हैं. ये वेबसाइट कर दी एंटर यहां पे, एंड वी क्लिक ऑन चेक. विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हमारे पास आ गए दो ऑप्शंस, कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल. प्रीटी न्यू थिंग, लेकिन अगेन यू वुड नीड टू हैव योर ओन सर्वर्स इफ यू वांट टू ट्रैक डीप इवेंट्स. हमारी बात बन जाएगी पिक्सल ओनली से ही.
सो हम पिक्सल ओनली पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आ गए, यहां से हमें मिलेगा कोड। दो तरीके हमारे पास, यूज ए पार्टनर इंटीग्रेशन या मैनुअली कोड को ऐड करना, दो तरीके हैं हमारे पास और ये तरीके हम देखेंगे कल इंशाल्लाह कि हम कैसे मैनुअल तरीके से या पार्टनर इंटीग्रेशन से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं फेसबुक पिक्सल के साथ, ताकि हम सारी चीजें ट्रैक कर सके। राइट, सो इट्स स्टिल एन ऑनगोइंग लेक्चर, सो क्वेश्चंस जो हैं अभी देयर विल बी टन्स ऑफ क्वेश्चंस, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लें अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस, ठीक है, इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद। आज आपने क्या करना है, जिनका वर्डप्रेस का बिल्कुल भी सिरे से ही नहीं पता, उनको आई विल बी शेयरिंग द वीडियो दैट आई रिकॉर्डेड फॉर द स्टूडेंट्स बेसिक, उसको देखें, अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग बना लें, ताकि आप ये तमाम चीजें प्रैक्टिस भी कर सकें। आपका अगर फेसबुक अकाउंट बन चुका है तो आप उसको कनेक्ट करना एक प्रैक्टिकली, यहां पे तो आप स्क्रीन पे तो आप सीखेंगे ही, आप अपने फेसबुक एड अकाउंट में पिक्सल बनाएं और उसको एक जो भी अभी आप ब्लॉग बनाएंगे उसके साथ कनेक्ट करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें। ओके जी, सो निदा वॉन्ट्स टू शेयर स्क्रीन एंड किसी ने कहा था अमादुल्ला, आई हैव थ्री क्वेश्चंस। ऑलराइट, रेज योर हैंड्स, बाकी अनरेज करते हैं प्लीज, लेट्स हैव द स्क्रीन क्विकली, अनरेज योर हैंड्स प्लीज, अदरवाइज मैंने इनवाइट करके पूछ लेना आज हमने क्या पढ़ा है। All right, जो अनरेज नहीं कर रहे, आई एम गोइंग टू इनवाइट देम एंड आस्क आज हमने क्या किया। किस किस ने हाथ खड़ा किया, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि आज हमने क्या किया। We have Safa Shuja. Yes, Safa, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, साथ ही हाथ नीचे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज हमने जो है वो किया है कि आपने जो है ना थोड़े से एडवांस बताया था कि हम फेसबुक मार्केटिंग में जो है नेक्स्ट क्या करेंगे। आप जो है बड़ा ना क्लैश आ गया मिली सेकंड्स का। नहीं वो मेरे से गलती से, मैं एक्चुअली वो देख रही थी मोर के ऊपर क्लिक किया था तो वो साथ ही मेरा उस पे क्लिक हो गया था, सॉरी। मेरा क्वेश्चन भी था एक्चुअली, इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम्स वो हैंड रेज भी किया था तो आपको पता ही नहीं चला कुछ, मैं चाह रही थी कि मैं ना आपसे वो क्वेश्चन कर लूं। ड्यूरिंग द लेक्चर मैं देख नहीं रहा होता ना चैट्स और समथिंग, मैं अपनी ही स्क्रीन में बिजी होता हूं। सुपर, एनीहाउ यू मे आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा वैसे क्वेश्चन अभी यही था कि मैंने अपना ना अभी यहाँ पे पिक्सल आप बता रहे थे तो मैंने पिक्सल जब खोला तो मेरे पास ना सीआरएम ऑप्शंस वगैरह नहीं आ रही थी, वो डिस्कनेक्टेड थी, मतलब डिसेबल्ड थी। तो फिर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट ना बिजनेस अकाउंट नहीं है, आई एम करंटली यूजिंग माई पर्सनल एड अकाउंट, तो उसके ऊपर मेरे पास ना सिर्फ वेब वाली ऑप्शन आ रही थी। तो मैं वैसे आपसे पूछने लगी थी कि मेरा क्या रीजन, तो फिर मुझे समझ आ गई कि एक्चुअली मेरे पास बिजनेस अकाउंट नहीं है इस वक्त ना, वो दोनों। वी विल सी दैट एज वेल, वी विल सी दैट एज वेल कि कैसे आप बिजनेस अकाउंट भी बनाते हैं। तो वो उसकी वजह से जो दो ऑप्शंस थी ना वो मेरे पास फिर मिस थी, वो वहां से मैं थोड़ा सा डिरेल हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी वहां से कि आपने क्या किया ना, थोड़ा सा वहां से फिर वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुए थे ना उस पॉइंट के बाद क्रिएट करने के बाद, तो वहां पे मुझे फिर समझ नहीं आई कि मैं उस वक्त क्या करूं, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी। क्लियर है? हाँ बाकी अभी क्लियर है आप? चलो ठीक है, इसको हम कल जब रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आज आप वो एक एक्सटेंशन का आपने बताया था शुरू में,
हम लोग जो है मतलब एक्सटेंशन के थ्रू जो फेसबुक के सारे एड्स हैं उनको कलेक्ट करके तो हम उन्हें एनालाइज कर सकते हैं लेटर, और उनको हम लिस्ट को सेव भी कर सकते हैं एड्स को वहां पे फेवरेट करके एक्सटेंशन के थ्रू. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच सोफा. ठीक है सर. ग्रेट. सो अभी भी मेरे पास 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया. मैं जैसे ही माइक पे इनवाइट किया और मैंने कुछ पूछा तो इट वुड बी हार्ड बैटल. किस किस ने स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा था? दे रेज योर हैंड्स प्लीज. बाकी हाथ अपना नीचे कर ले ताकि जरा. हमाद, देर वॉज वन पर्सन हमाद एंड एक और भी थे. देर वॉज हु वॉज दैट हमाद, रेज योर हैंड मेरे पास ताकि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए. अदरवाइज 200 बच्चों की लिस्ट में, 250 बच्चों की लिस्ट में आपका नाम ढूंढना मुश्किल है. हमाद उल हसन, यस, हियर वी हैव. Yes, Hamad, I have unmuted you and you may share your screen. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Hamad, quickly. Just one second, sir. Meri screen nazar aa rahi hai aapko? Yes. Sir, mera ye wala issue aa raha hai. Mere sirf ye jo hai na app ka aa raha hai. Iske alawa aur koi bhi nahi hai. Ye I don't know kya issue hai. Yehi baat hai. Mera saath saath kar raha tha apply, lekin iske baad mera stuck ho gaya. Iske baad There are a lot more to share about this. Inshallah, I will share tomorrow. कि आपके पास कौन से ऐसे possible restrictions हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पास option नहीं आ रही है वाले. ठीक है, integration को complete कर ले. इसलिए मैंने कहा था कि integration अभी क्योंकि complete नहीं हुई, there could be many questions. ठीक. Challenge. Great. This was Hamad with a pending question. We will resolve it as we complete our integration. ठीक है जी, पहले इस बार इसको complete कर लें. इसी वजह से मैं questions आज लेने से थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा ये पूरा session complete नहीं हुआ. So let's just complete that first. अभी जो आपके एड्स के रिलेटेड, नॉन इंटीग्रेशन के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन थ्रो दोज क्वेश्चंस इन द चैट. और 1:47 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 1-2 मिनट में आप उसको ड्राफ्ट कर लें एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस क्विकली. नॉन इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस क्योंकि ये सारा कुछ तो अभी पेंडिंग है ना, अभी हम कर रहे हैं. Hamad, you may mute your mic. Okay, great.